वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ मिठाई वाला, और यह मिठाई का आज मैं आपको समरी बता रही हूँ। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा लिखी है, जिसमें एक पिता बच्चों का के प्रति अपने प्रेम भाव को बताता है, और अपने बच्चे वह खो चुका है और अन्य बच्चों में अपने बच्चों की तलाश करता रहता है। यहाँ पर एक आदमी पहले खिलौने वाले के रूप में आता है और अपने मधुर स्वर से बच्चों को बहलाने के लिए खिलौने वाला गाने गा गा कर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझकर अपनी तोतली आवाज़ में उसके भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर और उन्हें खिलौने देकर के वह गीत गाता हुआ चला जाता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर के आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे करके गया है। इसके 6 महीने बाद नगर में फिर से किसी की मधुर मुरली सुनाई देती है और फिर समाचार शहर में फैल जाता है और वह बहुत ही सस्ती मुरली बेचता है। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर के पहचान जाती है कि यह वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया और अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख कर के बच्चों का जो झुंड था वो खुश होकर के उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को मुरली देने के बाद एक बच्चे को मुफ्त में मुरली दी, जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। इसके 8 महीने बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगाई दिया और वह छत से तुरंत नीचे आ गई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था और उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि सबकी मृत्यु हो चुकी है। यह बहुत ही बुरी घटना थी उसके साथ। वह अपनी पुरानी याद करके फूट फूट करके रोने लगता है और उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचने के लिए फिरा करता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही दे करके गीत गाता चल देता है। तो यह थी समरी मिठाई वाला चैप्टर की। अगर आपको इसी तरह की समरी और चैप्टर्स की भी पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से चैप्टर का नेम बताइएगा, जिससे मुझे समझने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक ज़रूरी बात आपको कहनी है, कोरोना काल चल रहा है तो मेरी सभी से ये विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ घर में रहें, बाहर ना जाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बाहर फैल सकता है। और मेरा ज़्यादातर उद्देश्य यही रहता है कि आपको सभी जो चीज़ें हैं वो घर बैठ करके ही पढ़ा दी जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।